और इधर जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में एनएसयूआई की कार्यकर्ता और नर्सिंग की छात्राएं आमने सामने आ गई। दरअसल एनएसयूआई की कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए जबरन डीन की कैबिन में घुसने का प्रयास करने लगी। यहां पर बात नर्सिंग की छात्राओं को ये सही नहीं लगी। उन्होंने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर मेडिकल कॉलेज के डीन ने हाई लेवल जांच कमेटी के मामले पर भी जांच कराने की बात कही है। दिनों से लगातार हम ज्वाला चौकीकर और आशीष खिलाफ के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। आज एक बार फिर हम आए, दीन साहब ने उन्हें नोटिस दिया था कि हॉस्टल खाली करो, नई वार्डन को शिफ्ट करें, लेकिन नई वार्डन को शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि ज्वाला चौकीकर द्वारा लगातार उसको धमकाया जा रहा है। नई वार्डन को धमकाने की बार बार साजिशें रची जा रही है और ज्वाला चौकीकर हॉस्टल खाली ना करने के ऊपर दबाव बना रही है डीन के ऊपर, सुपरिटेंडेंट के ऊपर और सबके ऊपर। और आशीष लाल जो कि गलत कामों करते हुए कई बार यहाँ पाया गया है। एनएसए वाले आए थे तो वो कुछ उन्होंने ज्ञापन भी दिया, कुछ उन्होंने लिख के भी दिया है, काफी चीजें अभी बात हुई उनसे, बहुत सारे आरोप लगाए उन्होंने सिस्टर के ऊपर। अब वो आरोप जो है वो बहुत सारे हैं तो उसके लिए उनका संज्ञान लिया जाएगा और एक उचित हाई लेवल कमेटी बना के उसका संज्ञान लिया के और उसका जो भी प्रतिवाद होगा, जो भी होगा वो हम देंगे।